बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम क्लास थ्री ओपन्स योर मैथ्स काउंटडाउन ओपन पेज नंबर फोर्टी एक्सरसाइज टू ए टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज टू ओके फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन डेट राइट डाउन क्लास वर्क फिल इन द ब्लैंक्स आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है द सम ऑफ एट थाउजेंड एंड थाउजेंड इज़ इक्वल टू अब आपको उन्होंने कहा है सम का मतलब होता है प्लस करना ठीक है ऐड अब आपने बताना कि उन्होंने पूछा आपसे कि एट थाउजेंड एंड थाउजेंड का आपका सम क्या होता है तो इसका रफ़ वर्क जो है मैं आपको यहीं बुक पे करवाऊंगी ताकि जब आप इसको सॉल्व आप जब ये फिलिंग के ब्लैंक्स याद करो तो आपको सामने नजर आ जाए और आप लोगों को समझ आ जाए कि ये आपने किस तरीके से किया था ठीक है तो ये बुक ऊपर इसका थोड़ा थोड़ा रफ वर्क होगा वो आपने करना है छोटा छोटा करके प्यारा प्यारा ठीक है बहुत ज़्यादा मेस नहीं करना बुक पे नंबरिंग करके करना है अब आपका जो है ये ए का आपका रफ वर्क है तो आप यहां पे लिखो कि लिखोगे आपका ए का रफ वर्क है ठीक है क्या करोगे एट थाउजेंड था आपका एट थाउजेंड और आपको किसका कहा है उन्होंने थाउजेंड का तो हमेशा वैल्यूज कहां से लिखना स्टार्ट करते हैं राइट right साइड से ठीक है जीरो जीरो एंड वन अब इसको क्या करना है आपने सम बताना है इसका तो कैसे जीरो में जीरो ऐड किए तो जीरो जीरो में जीरो ऐड किए जीरो जीरो में जीरो ऐड किए जीरो और एट में नाइन वन ऐड किया तो कितना हो गया नाइन तो क्या हो गया इसका एट थाउजेंड एंड थाउजेंड का सम आपका क्या आ गया नाइन थाउजेंड क्या आ गया नाइन थाउजेंड नेक्स्ट उन्होंने बी क्वेश्चन आपसे पूछा है के फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी प्लस थ्री थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड का सम आपने बताना है तो आप यहाँ पे लिखो बी ठीक है अब बी लिख के बी का रफवर यहीं भी सॉल्व करना है आपने नीट एंड क्लीन फाइव फोर टू ज़ीरो और सेकंड वैल्यू आप कहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे राइट साइड से ठीक है ज़ीरो ज़ीरो फाइव एंड थ्री अब इसको आपने क्या करना है ऐड करना है आपने ज़ीरो 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 टू और जीरो आपका टू फाइव और फाइव आपके कितने होते हैं टेन होते हैं ना तो टेन का यहाँ पे क्या आएगा जीरो और वन ऊपर क्या चला जाएगा कैरी ठीक है आपको बताया था ना कि राइट साइड वाला नीचे लिखते हैं और लेफ्ट साइड वाला ऊपर कैरी चला जाता है अब फोर और थ्री कितने होते हैं आपके सेवन और ये आपका वन आके एट हो गया तो ये आपका बी का रफ फर्क हो गया बी का आपका क्या आंसर आया ज़ीरो टू ज़ीरो ठीक है थर्ड सी क्वेश्चन देखें जरा आप अपना सी क्वेश्चन है अब सी क्वेश्चन में आपको थर्टीन हंड्रेड और थ्री हंड्रेड ले दिया हुआ तो आपको क्या लग रहा है कि बड़ी वैल्यू आपकी कौन सी है थर्टीन हंड्रेड है ना तो आप थर्टीन हंड्रेड को ऊपर लिखें और नीचे आपने कौन सी वैल्यू लिखनी है थ्री हंड्रेड किस साइड से स्टार्ट लेंगे यहाँ से ठीक है ज़ीरो आपका जो राइट साइड है उधर से स्टार्ट लेंगे और थ्री अब इसको ऐड करेंगे प्लस करेंगे जीरो और जीरो हो गए जीरो जीरो थ्री और थ्री सिक्स एंड वन एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो आपका क्या आ गया सिक्सटीन हंड्रेड ठीक है नेक्स्ट देखें अब आपको उन्होंने क्या कहा है डी क्वेश्चन जो आपका डी क्वेश्चन है आपका इसमें आपने ऐड करना है वन ज़ीरो सिक्स जीरो में थाउजेंड को वन टू थ्री जीरो एंड थाउजेंड अब इसको ऐड करना है आपने तो जीरो में जीरो ऐड के जीरो जीरो में जीरो ऐड के जीरो और वन और वन टू तो आपकी क्या वैल्यू आ गई टू जीरो सिक्स जीरो ठीक है तो ये आपने सिंपल ऐड करना है प्लस करना है नेक्स्ट है इफ़ ट्वेंटी फाइव इज एडेड टू वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव दिल बी क्या उन्होंने कहा है कि ट्वेंटी फाइव में अगर ये वाली वैल्यू ऐड करेंगे तो सम इसका क्या होगा तो आप क्या करोगे ऐड करोगे ना तो आप लिखोगे ये ई e का रफ वर्क है आपका ई e का रफ वर्क में आप लिखो वन नाइन सेवन एंड फाइव ठीक है इसमें आपने कित को ऐड करना है ट्वेंटी फाइव को यहाँ पर ट्वेंटी फाइव लिखे ऐड कर दिए इसको फाइव और फाइव कितने होते हैं टेन अब टेन का यहाँ पर क्या लगेगा जीरो और वन क्या चला जाएगा ऊपर कैरी सेवन और टू कितने होते हैं नाइन नाइन में वन ऐड कर दिया तो टेन टेन का फिर से यहाँ पे क्या लगेगा जीरो और वन ऊपर क्या चला जाएगा कैरी नाइन नाइन के नीचे कोई वैल्यू नहीं है लेकिन ये कैरी वाला इसमें प्लस करेंगे नाइन और वन कितने होगी टेन टेन का यहाँ पे क्या लगेगा जीरो और वन फिर क्या चला जाएगा कैरी वन और वन टू तो ये आपका क्या आ गया टू थाउजेंड ठीक है ये आपका क्या आ गया टू थाउजेंड तो ये आपके फर्स्ट में क्या आ गया नाइन थाउजेंड उससे नेक्स्ट में क्या है एट थाउजेंड एंड ट्वेंटी उससे नेक्स्ट में सिक्सटीन हंड्रेड उसमें उससे नेक्स्ट में टू थाउजेंड एंड सिक्सटी और लास्ट में टू थाउजेंड तो ये आपने इन सबको ऐड करना था प्लस करना था ये अपने बुक पे सॉल्व करना इसका रफ वर्क भी बुक पे करना है ताकि आप जब इसको याद कर रहे हो जब आप पेपर्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो कि आपने ये किस तरीके से सॉल्व किए थे ठीक है नेक्स्ट देखिए स्टेट वायदे फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स अब आपने बताना है कि ये जो आपको स्टेटमेंट दी है ये ट्रू है या फॉल्स है टू एड टू नंबर्स वी एड वंस फर्स्ट सबसे पहले जब हम नंबर्स को ऐड करे हैं तो सबसे पहले वंस को ऐड करते, है है? है. yes. करते हैं ना ट्रू है या फॉल्स है ट्रू है येस आप इसको वंस को ही ऐड करते हो सबसे पहले नेक्स्ट है फोर थाउजेंड एंड फोर थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी इज द सम ऑफ थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव एंड वन थाउजेंड एंड ट्वेंटी फाइव उन्होंने कहा है कि ये जो आपकी ये वैल्यू है इन दोनों को प्लस करने से ये आती है तो ऐसा है आप इसको क्या करो साइड पे प्लस करके देख लो ये आपकी क्या वैल्यू थी थ्री वन टू फाइव वन जीरो सॉरी इस साइड से स्टार्ट करना है आपने टू फाइव अब इसको प्लस करके देख लें फाइव और फाइव कितना होता है टेन वन कैरी चला गया फाइव वन एंड थ्री और वन फोर तो आपकी ये वैल्यू ये आई है ये नहीं है तो ये आपका क्या है फॉल्स है ये स्टेटमेंट इन दोनों को प्लस करने से ये वैल्यू नहीं आई ये अलग वैल्यू आई है फोर थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फिफ्टी यहाँ पर लिखा है फोर थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी फिफ्टी तो ये आपकी वैल्यू आपकी गलत आई है तो आपने यहाँ पर लिखना है फॉल्स ठीक है सी देखिए व्हेन वी ऐड द नंबर वी स्टार्ट एडिंग फ्रॉम द लेफ्ट जब हम नंबर्स को ऐड करते हैं तो हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं इस साइड से स्टार्ट करते हैं ऐड करना ट्रू है ये फॉल्स है फॉल्स है क्योंकि हम लोग हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करते हैं तो ये आपकी क्या है फॉल्स ठीक है आप पूरा लिख लें ट्रू के लिए, ट्रू लिख लें यहाँ पे यहाँ पे फॉल्स लिख लें यहाँ पे पूरा फॉल्स लिख लें ठीक है ओके वन हंड्रेड मोर देन वन हंड्रेड मोर देन सिक्स सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फोर इज सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फोर अब आपको उन्होंने कहा है कि एक हंड्रेड ज़्यादा है तो आप कैसे आपको पता चलेगा आप इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपका क्या है फॉल्स ट्रू स्टेटमेंट है ठीक है आपका वन हंड्रेड ही ज़्यादा बन रहा है नंबर रिटर्न हॉरिजेंटली कैन नॉट बी एडिड जब हॉरिजेंटली आप इसको वैल्यूज़ को लिखते हो तो ये ऐड नहीं होती क्यों नहीं होती होती है ना ऐड ऐड किए नहीं हमने ऐसे जब आ, आपकी पिछले प्रीवियस पेज पे आपका ये हॉरीजेंटली लिखा हुआ था ना आपने इसको फिर वर्टिकली खुद लिखा और फिर आपने इसको सॉल्व किया ये आपकी कौन सी होती है हॉरीजेंटली और ये आपकी क्या है वर्टिकली ठीक है तो आपको अगर हॉरीजेंटली आपको कुछ वैल्यूज दी होती हैं तो आप उसको ऐड कर लेते हो ना वर्टिकली लिख के तो ये आपकी ये वाली स्टेटमेंट क्या है फॉल्स ठीक है क्लियर हो गया अब नेक्स्ट देखिए पेज नंबर फोर्टी वन पर आ जाए फोर्टी वन पर भी डेट मैंशन करें अब इसमें है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आपको इस गिवन ऑप्शन में से ऑप्शंस जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं ठीक है आपका ये जो नंबर नंबर बॉक्स है ना ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हंड्रेड को ये जो पूरा बॉक्स है आपका हंड्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला भी हंड्रेड को और ये जो आपको एक सिंगल लाइन नज़र आ रही है ये टेन को रिप्रेजेंट कर रही है और जो छोटे छोटे बॉक्स हैं वो आपके वन वन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है थीके? अब आपको आपने बताना है कि ये आप डै ये बॉक्सेस बने हुए हैं ये रिप्रेजेंट द नंबर्स तो कौन से नंबर्स को रिप्रेजेंट करें तो आप इसको काउंट करो ये आपका कितना हो गया हंड्रेड हो गया आपका ठीक है ये आपका कितना हो गया हंड्रेड हो गया हंड्रेड एंड हंड्रेड कितने हो गए टू हंड्रेड और ये आपका ये वाला जो सिंगल एक लाइन आपको नजर आ रही है ये किसको रिप्रेजेंट करती है टेन को ठीक है हंड्रेड और हंड्रेड कितने हो गए टू हंड्रेड टू हंड्रेड और टेन और अब ये आपके ये वाले नंबर जो हैं आपको वन वन को रिप्रेजेंट करते थे वन टू थ्री फोर तो ये आपके कितने नंबर्स हैं फोर तो हमारे पास टोटल क्या आ गया वन हंड्रेड वन हंड्रेड टेन एंड फोर तो ये हमारे पास टोटल कितने हो गए टू हंड्रेड एंड ठीक है वन हंड्रेड एंड वन हंड्रेड टू हंड्रेड और हंड्रेड और फोर को प्लस किया तो फोरटीन तो टू हंड्रेड एंड फोर्टीन तो आपका ये वाला जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट है ठीक है नेक्स्ट देखिए ज़रा वट इज़ एडिड टू सेवनटीन हंड्रेड टू मेक इट टू थाउजेंड टू थाउजेंड सेवनटीन हंड्रेड है इसमें कितने ऐड करोगे आप तो आपके पास टू थाउजेंड आ, आ जाएगा तो आप इसमें अगर थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड ऐड कर दोगे सेवनटीन हंड्रेड में तो आपके पास क्या आ जाएगा टू थाउजेंड नेक्स्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एज फाइव को रिप्रेजेंट करना है आपने तो कैसे ढूंढो बॉक्स को तो आपका ये, ये, तो आपको लग रहे। आपका ये जो थर्ड वाला बॉक्स है इसको देखें आपका ये क्या है हंड्रेड ठीक है फोर लाइन है ना आपकी टेन टेन की वन टू थ्री फोर फोर लाइन है तो ये फोर लाइन टेन ट्वेंटी थर्टी और फोर्टी तो ये कितना हो गया फोर्टी वन हंड्रेड एंड फोर्टी हो गया और नीचे बॉक्स देखिए जरा वन टू थ्री फोर फाइव तो वन हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव तो ये आपका ये ये जो थर्ड वाला नंबर है आपका करेक्ट ऑप्शन है डी वाला देखिए थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सिक्सटीन एंड टू थाउजेंड एंड वन हंड्रेड एंड टू थाउजेंड एंड वन हंड्रेड एडअप टू अब इनको प्लस करना है आपने तो आपको बताना है कि क्या आएगा आपका वैल्यू साइड पे आप यहाँ पे कर सकते हैं इसको यहाँ पे लिखें ठीक है और राइट साइड से स्टार्ट कर लें ये अब इसको प्लस करें जीरो जीरो, जीरो नाइन एंड वन कितने हो टेन टेन का यहाँ पे जीरो लगेगा वन कैरी चला जाएगा थ्री एंड टू कितने फाइव और वन सिक्स तो आपकी ये वैल्यू आ गई अब देखिए इसमें ऑप्शन में ये वाली वैल्यू नजर आ रही है आपको यस ये फर्स्ट वाली वैल्यू आपकी यही है ठीक है नेक्स्ट देखें वन थाउजेंड एंड फाइव एंड थ्री थाउजेंड एंड फाइव इज इक्वल टू अब इन दोनों को प्लस करने से आपका क्या आता है तो आप इसको प्लस करके देख लो वन थाउजेंड आप इसके सामने लिख भी लो कि आपका डी का जो है वो रफ़ वर्क है यहाँ पे भी लिख लो ई का रफ वर्क है आपका वन थाउजेंड एंड फाइव में आपने कितने ऐड करने हैं थ्री थाउजेंड एंड फाइव वन थाउजेंड एंड फाइव में कितने ऐड करने हैं थ्री थाउजेंड एंड फाइव इसको उस साइड से लिख लिख लें ठीक है बड़ी वैल्यू बेशक आप ऊपर लिख, लिख लिया करें अब फाइव और फाइव कितने होंगे टेन टेन का यहाँ पे ज़ीरो लगा वन कैरी चला गया जीरो और जीरो जीरो ही होता है लेकिन ये के कैरी वाला वन नीचे आ जाएगा यहाँ पे ज़ीरो और थ्री और वन कितने हो गए आपके फोर तो आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ पे कहीं नज़र आ रहा है फोर थाउजेंड एंड टेन येस ये भी वाला ऑप्शन आपका जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है क्लियर हो गया अब आपके ये चूज द करेक्ट आंसर होगी अब नेक्स्ट देखिए ऐड द फॉलोइंग अब फॉलोइंग नंबर्स को अपने ऐड करना है प्लस करना है तो कैसे करोगे सिक्स एंड वन इजी वे है आपका प्रीवियस क्लासेस में आपने ऑडिशन पढ़ भी चुके हो लेकिन एक बार फिर मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि आप कैसे कर लो सिक्स है तो आप सिक्स लाइन्स लगा लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वन तो वन लाइन्स लगा लो और इनको ऐड कर दो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये वन प्लस हो गया तो सेवन इसी तरीके से फाइव लाइन्स लगा लो यहाँ पे साइड पे और टू लाइन्स लगा लो फिर फाइव और टू को प्लस कर दो या फाइव फिंगर्स काउंट कर लो फाइव के बाद आपने एड करनी है फोर के बाद आपने उसमें कितने और ऐड करने हैं थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो यहाँ पे भी सेवन आ जाएगा और लास्ट है थ्री में कितने और ऐड करने हैं टू थ्री फोर एंड फाइव तो आप यहाँ पे लिखते हैं फाइव ठीक है नेक्स्ट देखिए जरा फोर है इसमें कितने ऐड करने हैं थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यहाँ पे सेवन आ जाएगा नेक्स्ट देखिए सेवन में कितने और ऐड करने हैं टू सेवन एट एंड नाइन तो यहाँ पे आप नाइन लिख लें वन है वन में और आपने कितने ऐड करने हैं सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन ठीक है तो ये आपके सेवन आ गया फाइव था इसमें और कितने ऐड करने हैं थ्री फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है 3, 5, 6, 7, आपका हो गया अब नेक्स्ट देखें थर्ड क्वेश्चन सी वाला एट है तो आप एट को एज इट इज इसके नीचे जीरो है तो वो एज इट इज ऐसे ही आ जाता है टू है सेवन है टू में सेवन और ऐड करने या सेवन में टू ऐड कर लो सेवन और एट और नाइन ठीक है फाइव में फोर और ऐड करने हैं फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और सिक्स है और सिक्स के नीचे कोई वैल्यू नहीं है आपकी तो सिक्स को इसी तरीके से एज इट इज़ लिखेंगे जो इस वैल्यू के नीचे कोई वैल्यू नहीं होती और ऊपर कोई कैरी भी नहीं होता तो उसको एज इट इज़ ऐसे लिखते हैं या जिस वैल्यू के नीचे जीरो एट है और इसके नीचे जीरो है तो एट ही आएगा ठीक है ज़ीरो क्योंकि जीरो जीरो में तो कोई पावर नहीं होती जीरो तो ऐड नहीं होता ठीक है ना माइनस होता है ना ऐड होता है सिक्स में से सिक्स में टू ऐड किए सिक्स और सेवन और एट ठीक है अब सिक्स था सिक्स में थ्री और ऐड किए सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है और ये सिक्स और फोर है फोर में फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है अब नेक्स्ट देखें सिक्स टू है और सिक्स है सिक्स में टू और ऐड किए सिक्स सेवन और एट ठीक है नेक्स्ट देखें सिक्स सेवन एट सेवन है एट नाइन ठीक है और सेवन एंड वन एट एफ क्वेश्चन देखें सिक्स में वन ऐड किया सेवन ज़ीरो में थ्री ऐड किए थ्री ही आएगा और जीरो में नाइन ऐड किए तो नाइन ही आएगा और फाइव और फोर कितने तो फाइव सिक्स सेवन एट नाइन कितना हो गया आपका नाइन आप फिंगर्स से काउंट करके लिख लेंगे आप लाइंस लगा लें और उसके अकॉर्डिंग कर लें तो ये आपके एडिशन मुश्किल नहीं है क्योंकि ये प्रीवियस क्लास में आपने पूरा ये पढ़ा हुआ है और आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है ठीक है अब आपने ये इसका क्वेश्चन क्योंकि ये विदाउट रीग्रुपिंग है ठीक है तो आपने ये जी क्वेश्चन एच क्वेश्चन और आई क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व करना है ये आपका होमवर्क है और बहुत ईजी है आप लोगों के कॉन्सेप्ट इस एडिशन uh, के बारे में क्लियर हैं ठीक है थीके? तो आपने ये जो क्वेश्चन हैं वो खुद से सॉल्व करने हैं आप बेशक इसकी लाइंस लगा के कर लें या फिंगर्स पे काउंट करके इसको प्लस करना है ये विदाउट कैरी हैं तो ये ये करना बहुत इजी है ठीक है ये थ्री क्वेश्चन हैं जो आपने होमवर्क में करने हैं जी एच एंड आई नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी अल्लाह हाफिज़